कोर्ट से बाहर निकलते ही मनीष कश्यप ने फिर भरी हुंकार, नीतीश कुमार को ललकारा, तेजस्वी को खुलेआम दी चुनौती। 6 महीने में पहली बार सौनभ बिहार ने तोड़ी चुप्पी, हाथ उठाकर दिखाई हथकड़ी और कहा न्याय को किया गिरफ्तार। मैं लौट कर वापस जरूर आऊंगा लिखी टी शर्ट पहनकर बिहार वासियों को दिया संदेश, कहा फौजी का बेटा हूं, नहीं झुकूंगा किसी के आगे। पत्रकार ने कहा जेल से बाहर निकलते ही बनाऊंगा अपनी सरकार, फिर बिहार सरकार और एमके स्टालिन को दिखा देंगे कैसे चलती है सरकार। हम जब मना करते हैं लोगों को तब वो पहुंचवाता है लोग। अभी आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, देखिएगा मेरे ऊपर फिर से एफआईआर करेगा लोग, मेरे को फिर से झुकाने का प्रयास करेगा, लेकिन साला फौजी का बेटा हूँ, लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। एक माँ के आंख में आंसू ना आवे देखो, कि आज मेरी माँ के आंखों में आंसू है ना, मैं वादा करता हूँ कि मैं जिस दिन जेल से निकलूंगा ना, मैं लाखों माँ के आंखों के आंसू को पोछूंगा। सौनभ बिहार के नाम से मशहूर बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप राजधानी पटना के बेउर जेल में बंद है। कल जब उनकी पटना सिविल कोर्ट में पेशी हुई तो कोर्ट से बाहर निकलते ही उन्होंने जबरदस्त हुंकार भरा। लगभग 6 महीने से जेल में बंद पत्रकार ने पहली बार चुप्पी तोड़ी और सीधे नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए तेजस्वी यादव को खुलेआम चुनौती दे दी। इस दौरान पत्रकार ने न सिर्फ बिहार सरकार के लचर व्यवस्था की पोल खोली, बल्कि तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए कहा कि वो खुद की सरकार बनाएंगे और उन्हें दिखा देंगे कि कैसे सरकार चलती है। मनीष कश्यप के एक एक बयान से आपको लग जाएगा कि पत्रकार पिछले 6 महीने से जेल के अंदर जरूर बंद है, लेकिन अभी तक उनके अंदर का जोश और हिम्मत थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। शुक्रवार को मनीष कश्यप को पटना के सिविल कोर्ट में पेश किया गया था। पेशी के दौरान मनीष कश्यप ने कोर्ट के बाहर मौजूद पत्रकारों को बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम चारा चोर का बेटा नहीं है, किसी से डरने वाले नहीं है, फौजी का बेटा हूँ, किसी के आगे झुकूंगा नहीं। बोलते हुए उन्होंने नीतीश सरकार की व्यवस्था की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि मैं 6 साल से जेल में बंद हूँ, जेल में मुझे नशेड़ियों के बीच रखा गया है, इन नशेड़ियों को गांजा तंबाकू सब जेल में ही पहुंचाया जाता है, सब गांजा पीकर मुंह पर धुआं मारते हैं, इस धुएं से मेरा माथा दर्द करता है, सोच लीजिए एक दिन जेल के अंदर बड़े बड़े हथियार भी पहुंचा दिए जाएंगे और फिर कोई बड़ी घटना होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। वहीं जब मनीष कश्यप गरज रहे थे तो उस दौरान भी उन्होंने कहा कि आप लोग मेरा वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन ये वीडियो जब बिहार सरकार देखेगी तो मुझ पर जरूर नया एफआईआर करेगी, लेकिन मैं फौजी का बेटा हूँ और किसी से डरने वाला नहीं हूँ। फिर उन्होंने तेजस्वी यादव को ललकारा और कहा कि जेल से बाहर निकलते ही मैं अपनी सरकार बनाऊंगा और फिर एमके स्टालिन और उनके बेटे को भी बता दूंगा कि कैसे सरकार चलती है। वहीं मनीष कश्यप इस दौरान खास स्लोगन लिखी हुई टी शर्ट भी पहने नजर आए। टी शर्ट के आगे जहां लिखा था कि जैसे बुझा हुआ दिया रोशनी नहीं देता, वैसे ही बुजदिल लोग क्रांति नहीं लाते, जबकि टी शर्ट के पीछे लिखा था मैं लौट कर वापस जरूर आऊंगा और फिर आप सबके लिए लड़ूंगा। मनीष कश्यप के इस वीडियो को देख साफ लग रहा था कि पत्रकार अभी भी उतने ही जोश में है जितने जोश में वो जेल में जाने से पहले हुआ करते थे। खैर अब देखना होगा कि जब मनीष कश्यप जेल से बाहर आते हैं तो क्या कुछ करते हैं। झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय दे रहा है घर बैठे पढ़ने का मौका। अब डिस्टेंस एजुकेशन का विकल्प आपके शहर गोड्डा में हो गया है उपलब्ध। करते हैं नौकरी और चाहते हैं पढ़ना, या हाउसवाइफ महिलाएं पढ़ना चाहती हैं आगे, तो पहुंच जाइए नवप्रभात इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में, जहां आईटी फील्ड से लेकर मैनेजमेंट तक में मिलेगा पढ़ाई का मौका। जाना चाहते हैं किसी भी फील्ड में तो करिए डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स, जीवन में मिलेगा हाइक और करियर होगा ब्राइट। डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स है उपलब्ध। जल्द ही शुरू होगा स्नातक और पारा स्नातक पाठ्यक्रम। हमारा कार्यालय है गंगोड्डा, झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त।